चाव से बुरी, बंदूक से बुरी। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं मनमोहन सिंह ठाकुर। जी हाँ, संगवारी हो, मोला आप देखे हो कई ठो छत्तीसगढ़ी पिक्चर में, और फिर से आपके पसंदीदा शो लेके मैं आ गया हूँ, जेकर नाम है दाऊ के बोली। दाऊ के बोली, बंदूक के गोली। हमारे जनता जनार्दन जो है संगवारी हो, हमारे जनता जनार्दन जो है वो किसी दाऊ से कम नहीं है। इस बात का सबूत यह है कि हर 5 साल के बाद वो हर नेता इनके चरणों में मत्था टेकता है, इनके दरवाजे पे मत्था टेकता है और बोलता है कि माता बोले दिखरी बे, मोर ध्यान रख बे, फलाना निशान के ध्यान रख बे, पंजा के ध्यान रख बे, कमल के ध्यान रख बे, जोगी साहब के ध्यान रख बे, तमाम पार्टियां थे हाथी के ध्यान रख बे, झाड़ू वाला के ध्यान रख बे। तो ये मन दाऊ हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुए, दाऊ हुए। और ऐसे दाऊ लोगों के साथ आज मैं खड़ा हूँ। कौन सा वार्ड है ये? 27 नंबर वार्ड। नाम क्या है 27 नंबर वार्ड के? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव, बाबा संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर वार्ड नाम है कर, और 27वां नंबर है ये वार्ड के। और ये वार्ड सबसे ज्यादा उपेक्षित वार्ड के श्रेणी में आते है। ये वो वार्ड है जहाँ पे कुछ दिनों पहले पीलिया का प्रकोप भयंकर रूप से फैला हुआ था। पीलिया का प्रकोप इतना था कि यहाँ के कई बच्चे बीमार पड़े, कई लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, बड़े परेशानी हुई। और उसके बाद हमारी टीम ने निर्णय लिया कि भीमराव अंबेडकर वार्ड में चलकर वहाँ का जमीनी जायजा लिया जाए। तो हमारे साथ भीमराव अंबेडकर वार्ड की माताएं खड़ी, आदि शक्तियां खड़ी है, हमारी माता बहनें खड़ी है। और सबसे ज्यादा घर में कोई समस्या होती है तो हमारी माता बहनों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, करना पड़ता है ना। पानी नहीं है तो दिक्कत, बच्चे को बीमार हो गया बच्चा तो दिक्कत, घर में राशन नहीं है तो दिक्कत, नाली की सफाई नहीं हुई तो दिक्कत, वो तमाम दिक्कतें घर में रहने वाली हमारी आदि शक्तियां, हमारी माता बहनें झेलती है। पुरुष तो काम पे निकल जाता है, काम से वापस लौटता है तो उसको पका पकाया खाना चाहिए, उसको शुद्ध पानी चाहिए, उसको घर में शांति चाहिए। लेकिन घर में शांति तभी रहती है जब सब कुछ ठीक ठाक हो, घर के सामने नाली बजबजा रही हो और आप नारी से, उस घर की गृहिणी से उम्मीद करें कि वो आपके साथ अच्छा खाना पका के दे, आपके लिए बढ़िया काम करे, तो ये संभव नहीं है। तो दोस्तों, आज हम अपनी माता बहनों के साथ भीमराव अंबेडकर वार्ड में खड़े हैं। ये वो मतदाता बहने हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है चुनाव के टाइम, और इन लोगों को मैं दाऊ की संज्ञा दिया हूँ। और वाकई में दाऊ है, क्योंकि चुनाव के बाद, चुनाव के टाइम अच्छे से अच्छे मंत्री, अच्छे से अच्छे नेता इनके दरवाजे पे आते हैं, दस्तक देते हैं, इनके हाथ पर जोड़ते हैं और वोट मांगते हैं। तो आइए पूछते हैं, भीमराव अम्बेडकर वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ से मनी समस्या गंदगी है, नानी नहीं माने, महू पानी भरे हैं, बच्चा लोग बीमार बनाते, मुझे बीमार बनाते, महू गंदगी बाबू, इतनी समस्या है। यहाँ के पार्षद पांच के पहली बार चुने हैं कि पहली भी चुने रहे? पहली बार, पहली से भी माने हमें। कौन से पार्टी के पार्षद है? वो अनवर कमल, कांग्रेस वाला, कांग्रेस पार्टी के पार्षद। क्या नाम है? अनवर हुसैन। अनवर हुसैन भाई साहब हैं इस वार्ड के, भीमराव अम्बेडकर वार्ड के पार्षद हैं और कांग्रेस पार्टी से आते हैं। तो इतने सालों में माता जी क्या विकास हुआ है जो आपको लगता है कि उसको 10 में 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर या 10 के 10 नंबर दिया जाए, ऐसा कोई विकास बताइए? विकास आना है, मामू सड़क घर बनाए हैं, घर में नानी नहीं है, रोड बनाए हैं, मामू नंदी मामन है, रोड बना है ना? रोड नहीं, पूरे पूरे वार्ड में रोड है। हाँ, पूरा वार्ड में है। तो क्या क्या असल में प्रॉब्लम क्या है, सफाई क्यों नहीं होती? हमने कहा है नानी सब, नानी बनना चाहिए, सफाई होना चाहिए, गंदगी है वो गंदगी, बराबर सफाई नहीं हो। कहाँ सफाई होते हो, नानी नहीं करे था ना। पार्षद अब भ्रमण करते कि नहीं, बीनिया घूमते कि नहीं? हमने बोला मालूम नहीं, मैं आखिरी घर में रेखा होना में अब आते और नहीं आए, रोड वाले मन जान ही बोला कौन वन वो मन जान ही कहा थे। तो हमारे बहनी है, हम अपन बहनी से पूछो कि बहनी ये बताओ कि तुम्हारे वार्ड के सफाई कहाँ पर नहीं हो? साफ सफाई हुई, ध्यान नहीं दे पार्षद तक का दिल, साफ सफाई वही है, गरीब आदमी का राशन कार्ड बने न कहीं बने, यहाँ कब से हवन टीका मिल। तो पार्षद है तुम्हारे काम नहीं करे तो टोटल का बन हुआ? काला मशक बेटे मस्का था दूसरा बचावा, काला मशक बे कौन बचा थे? आप बोलिए, आपका अपने वार्ड में क्या क्या
विकास हुआ अभी तो देखिए। अब भैया हमारे हमारे वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ है। आते हैं इधर नाली वाले एक दिन दिखाने के लिए आ गए, एक दिन महापावर आ गए, एक दिन साफ सफाई कर दिए, बस और कुछ नहीं है। यहाँ कोई साफ सफाई कुछ नहीं होता है। जाओ हमारे गली में पूरा यहाँ तालाब में पानी। तो ये वही साफ सफाई नहीं होने का की वजह है कि यहाँ पे पीलिया का जो है वो भयंकर प्रकोप हुआ था। ये दूषित पानी जो क्या है नली के सामने है पाइप, उसी में पानी घुस जा रहा है। नली पानी निगम वाले हैं, सब पीलिया फ्री दे रहे हैं। हम लोगों को पूरा वही वाला पानी पिला रहे हैं पूरा हम लोग। अच्छा ये वार्ड कितने साल हो गया बने इस वार्ड को? इस वार्ड को दस साल हो गया। इसके पहले कौन पार्षद था? इसके पहले वही है अनवर हुसैन। दूसरी बार जीते हैं? तीसरा बार। तो निश्चित तौर पे अगर वो तीसरी बार जीते हैं तो अच्छा काम किए, इसीलिए आप लोग जीताए हो। दूसरे मोहल्ले का बहुत ध्यान रखते हैं, ये मोहल्ले का ध्यान नहीं रखते। इस मोहल्ले से क्या दुश्मनी? तुम लोग वोट नहीं देते? इस मोहल्ले से ध्यान नहीं रखते हैं। इस मोहल्ले में पूरा जैसा का तैसा पड़ा रहता है, कुछ ध्यान नहीं। अभी वोटिंग के समय आए हैं तो नाली साफ हो रहा है, अगर सड़क बार रहा है, सब हो रहा है, लेकिन वोटिंग निकल जाएगा तो कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन वो तीन बार चुना कैसे गया जब काम नहीं कर? पता नहीं कैसे चुना है तो, लेकिन और इसी वार्ड से क्या दुश्मनी है उसको? आप बताइए क्या दुश्मनी है? नहीं पता भी मैं नहीं तो मैं नया नया आया ना, नहीं तो पुराना न हो ना, मैं नया नया बोला मान तेला तो बता। आप बताइए माता जी आपके वार्ड में क्या क्या समस्या? बहुत का कहते थे पीलिया ज्यादा हो साहब। हाँ पर पीलिया होते गंदगी कारण हो? गंदगी पर वार्ड के पार्षद ने बोला, काबर नहीं बोला तो सीधा निगम में जाना चाहिए मेयर। बहुत गंदगी पीलिया हुआ थे, दवाई है? पानी भी दवाई डाले पर भी नहीं दे। सब घरों घर अभी बांटती नहीं दवाई तो भी नहीं दे। कब का दिन हो गए दवाई बांटे? पता नहीं पहले बांटा त्रीस करके बोला त्रीस, सुने रहे मैं भी है। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब वो पार्षद जो है काम नहीं करता तो तीसरा बार क्यों चुना गया वो? अब क्या पता सवाल हुए चौथा बार कहाँ हुए हो? जोगी जी टाइम में हाँ नहीं घूमान हम पांच साल के संग में निहा नहीं निहा नहीं हम लेंगे घर में आया। हाँ और अंगने सांस से मने है पूरा गंदगी नहीं। नहीं नल आया है? नल आगे है नल घरों घर। कितने टाइम पानी आता है? पानी आते है ये 6 बजे से चालू हो जाता। अभी धान बनी ही मोटा बनी। अच्छा बरसात के टाइम में क्या भरपूर पानी आता है कि कम आता है? पूरा आते बरसात में। और क्या चाहते हैं आप लोग इस वार्ड में, और क्या विकास होना चाहिए, क्या चाहते हो आप? ये दे नाली मन साफ करती, नाली में दवाई डालती। देखिए हमारे साथ जब हमने इस शो को शुरू किया, अभी दाऊ के बोली बंदूक के गोली को थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया तो इतनी तादाद में लोग खड़े थे, माता बहने खड़ी थी। धीरे धीरे ये भीड़ छटती गई और अभी आप देखिए हमारे पीछे जितने लोग खड़े थे उस भीड़ में बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। दाऊ के बोली बंदूक के गोली में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जनता जब तक बोलेगी नहीं, जनता जब तक चिल्लाएगी नहीं, जनता जब तक अपनी डिमांड को लेकर सरकार को आगाह नहीं करेगी, उसे अलर्ट नहीं करेगी, तो सरकार को क्या पड़ी है कि आपके वार्ड में आके आपका विकास करे, आपकी गंदगी दूर करे, नालियों को साफ कराए और बुनियादी चीजों की आपकी जरूरत को पूरा करे। जनता को आगे आना होगा। आप देखिए, खुद देखिए मेरे सामने इतनी तादाद में भीड़ खड़ी थी लेकिन अब ये भीड़ साफ नजर आ रही है। मैं कैमरामैन अशोक भाई से कहूंगा कि पीछे थोड़ा घुमाए, वहां पे लोग खड़े हैं। हमारे 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 कैमरामैन से कहूंगा उधर घुमाए, अपने घरों के पास खड़े हैं, गैलरी में खड़े हैं, गैलरी में खड़े हैं, ये देखिए गैलरी में खड़े हैं लेकिन नीचे आके बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो किस नेता को पड़ी है कि वो आके आपकी समस्या को? तो ये देखिए आप इधर खड़े हैं उधर देखिए आप। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि जूम करें, इधर भाई लोग यंग लोग खड़े हैं जो परिवर्तन ला सकते, उधर मेरी माता बहने खड़ी है। और बार बार हर बात पे केवल सरकार को दोष देना, कभी कभी दोस्तों हम अपने आप को भी झांक कर देखें कि हम में क्या कमी है कि सरकार हमारी डिमांड को पूरी नहीं कर सकती। सरकार में जो उच्च पद पे बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो बाकायदा फंड देते हैं और वो फंड जनता के पैसे से ही आता है और उसको जनता पे खर्च किया जाता है, जनता के विकास पे खर्च किया जाता है। आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, राजनीति के चक्कर में अपने आप को मत फंसाइए। आप जनता है,
आपका मौलिक अधिकार इतना है, आपका मौलिक अधिकार इतना है कि आप खुल के बोलेंगे तो कोई आपके घर में आपको ना अंदर करने नहीं आएगा, बल्कि आपकी समस्या को दूर करेगा। बच्चा भी जब रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती, मानते हो ना? तो लड़का जब रोते तब है वाला दूध पिलाता ना, खाना खवाता ना। तो जनता जो होते वो सरकार के सामने लड़का होते, लड़का वो 2.5 करोड़ जनता को, एक सरकार को, 12 मंत्रियों को देखना है, 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता को, और देने वाले 12-13 लोग हैं। आपको मांगना पड़ेगा कि आपकी समस्या क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी डिमांड क्या है। केवल सरकार को कोसने से, गाली देने से नहीं चलेगा। बोलिए आप क्या चाहते हैं इस वार्ड में, क्या विकास चाहते हैं? आइए बहन जी, आप बोलिए, आप खुल के बोलिए, कोई आपको, आइए माता जी, आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर लोग बनाकर, आप बोलिए। सर, यहाँ कोई कचरा वाला गाड़ी नहीं आता, नाली का जो कचरा, जो क्यों नहीं आता? हफ्ते में कितने दिन आता है? हफ्ते में एक भी दिन। मैं चाहता हूँ ये कि यहाँ एक कचरा वाला डिब्बा खड़े रहे निगम वाले। हाँ, ये सही डिमांड है आप। इसमें क्या है, कोई जो बस्ती का जो भी आदमी कचरा उसमें डाले, इधर उधर ना फेंके। यहाँ पे किस टाइप के लोग रहते हैं? कामकाजी लोग रहते हैं, लेबर क्लास लोग रहते हैं कि सभी टाइप के लोग रहते हैं? इसमें सब टाइप का लोग रहते हैं, कोई मकान मालिक भी है, किराएदार भी हैं, सब हैं। आप क्या काम करते हो? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, कौन सी पार्टी को वोट देते हो? मैं तो कांग्रेस वाला हूँ। अच्छा, अनवर हुसैन जी यहाँ के पार्षद हैं, अगर उनको इस बार फिर से टिकट दिया कांग्रेस ने, है ना, या नहीं दिया मान लो, तो आप अभी आज की तारीख में अनवर भाई को, पार्षद महोदय को, आप 10 में से कितना नंबर देंगे? नहीं, क्या है, आप जो सवाल कर रहा हूँ उसको जवाब दीजिए कि मैं आपको 10 नंबर देने के लिए बोलता हूँ यहाँ के पार्षद को, आप कितना नंबर देंगे? मैं दूंगा 3। 3 नंबर भाई साहब जो है गाड़ी चलाते हैं, यहाँ के पार्षद को देना चाहते हैं। तो और पार्षद लदाई, अगर मैं बोलूँ कि 10 नंबर तो मैं देता हूँ, तो के नंबर देवे पार्षद? चार नंबर। एक ने 3 कहा, एक ने 4 कहा। माता जी, आप कितना नंबर दोगे पार्षद को? मैं पार्षद हूँ ना, 8 नंबर हूँ। 8 नंबर? अभी माता जी शिकायत कर रही थी और नंबर देने की बारी आई तो 8 नंबर दे रही। ये बड़ी विचित्र असमानता है कि जनता खुद शिकायत तो करती है लेकिन खुल के मीडिया के सामने बोलने के लिए उनको ऐसा लगता है कि मीडिया के सामने बोलेंगे तो हमारा नेता नाराज हो जाएगा। अरे मैं कहता हूँ नेता नाराज नहीं होता, बल्कि आपकी बात आप मीडिया में रखोगे ना तो झक मरा के आपकी समस्या को दूर करने आएगा यहाँ, क्योंकि चुनाव सामने है और चुनाव एक ऐसा वक्त होता है जिसमें नेता को बात मनवाना। यहाँ जी बोलिए, न्यूज वाले बना आपको दिखा रहे, चलो कितना गंदगी होता है। अभी देखेंगे, हमारी टीम आपके साथ जाएगी। आप बताइए क्या क्या समस्या, खुल के बोलो। आदमी यहाँ पर कापा में पीड़ित था, वो गंदगी सब नाली के वजह से है और दूषित पानी के वजह से। उधर नाली देखो साफ नहीं है, उधर चलो आपको दिखा। ये मैक्सिमम समस्या है यहाँ, जितनी माता बहने हैं नाली की समस्या बोल रही है। नाली क्यों साफ? नाली आप लोगों का मजबूरी है, हम लोग तो कहते हैं आवेदन देते हैं फिर भी नहीं करते हैं, 1-2 महीने में करते फिर नहीं आते। हम लोगों की मजबूरी क्या है? नहीं, तो आप लोग प्रेस वाले हो ना, तो आप तो ये बोलने के लिए आए, तो आप लोग बोलने के लिए तैयार नहीं हो? चले जाते हैं, है? अब आपको लोग भी तो बोलना चाहिए। ये तो बोलने के लिए ही तो आए हैं माता जी, इसलिए आप हमको साथ दोगे तब तो बोलेंगे ना भैया। साथ दे रहे हैं, नहीं देने वाली बात नहीं है। अभी दे रहे हैं, मीडिया भी आ गई, फिर अभी कोई कुछ नहीं करेगा। नल लगा रही दिन रात, हम केक लगा ली है और हम चल भाई लगा केक लगवा लेना, कहा थे हमारा 2400 पैसा देगा हर साल, ऐ पानी आ जाए मत आए, गरीब आदमी कहाँ पापा। पार्षद को 10 में कितना नंबर दोगे आप? हम तो 0 से बोलो। अरे 0, एक ने 0 दिया है अनवर भाई को, पार्षद महोदय को, एक ने 4 दिया, एक ने 3 दिया, एक ने 0। जमीन बोल रहे हैं और इस साइड का ना आबाद यानी कि जमीन बोल रहे हैं, सब टैक्स पटाते हैं, तो हमारे जगह को क्यों नहीं नापे, पटवारी क्यों नहीं नापे? हमारे तो भी हक है, टैक्स पटा रहे, हमारे पास रसीद है, हम रसीद दिखाएंगे। पहुँचेगी और अनवर भाई तक नहीं पहुँचेगी थी यहाँ के जो प्रभारी, पार्षद को बोलेंगे सबको बोलेंगे, मगर नगर निगम पहले जाएंगे जहाँ टैक्स पटाते हैं वहाँ है नहीं। तो आप लोगों ने कभी नगर निगम जाके यहाँ की समस्या को लेके ज्ञापन दिया, घेराव किया? किए हैं। कितनी बार किए? 2-3 बार गए हैं। कोई असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, पार्षद साथ दिया थी की नहीं आपके घेराव में? आप आप लोग जो प्रदर्शन करने गए थे तो आपको पार्षद ने साथ दिया? पार्षद को नहीं ले गए थे हम लोग। आप लोग हाँ। क्या समस्या लेके गए थे?
ए सब नहीं देख सक बारे में नल के भागीरथी में लगा है मगर किसी का भागीरथी नहीं। अच्छा, भागीरथी नल जल योजना यहाँ पे नहीं लगा है, ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। भागीरथी नल जल योजना के तहत सरकार ने उन घरों को टारगेट किया है जिन घरों में नल का पानी नहीं पहुँचता। ये बहुत गंभीर विषय है। glyphs.in में दाऊ के बोली बंदूक के बोली के माध्यम से हम जनता के कारिंदों के कान में, उनके अफसरों के कान में, मंत्री के कान में ये बात डालना चाहते हैं कि देखिए जनता के लिए बनी है स्कीम, जनता तक ये जो स्कीम है, योजना सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, वो पहुंच नहीं रही है। अब इसमें आप पार्षद की गलती कह लो, अफसर की गलती कह लो, मंत्री की गलती कह लो, या जनता जनार्दन की गलती कह लो, इस गलती को हमको आपको बताना है। चुनाव सामने है, हम सरकार को इस glyphs.in के दाऊ के बोली बंदूक के गोली के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये समस्या आगे चल के आपके चुनाव में फेंक डालेगा। हाँ बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ, ये आवेदन दिया था, ये देखिए ये क्या आवेदन दिया था आपने, नाली निर्माण हेतु इन्होंने, भाई साहब ने, सत्तावी आपका नाम क्या है, भीम बंजारे जी ने नाली निर्माण के लिए एक आवेदन दिया था यहाँ पे, ये देखिए ये कितने दिन पहले दिया था आपने? मैं अभी दिया हूँ। मेरे को ये है कि मेरे को ये निर्माण हो जाना चाहिए, मतलब अनवर हुसैन इसमें मतलब हमारा सहयोग करेंगे अभी बनाने का। तो आज दाऊ के बोली बंदूक के गोली में बस इतना ही। हम भीमराव अंबेडकर वार्ड के 27 नंबर के वार्ड में खड़े थे और एक बहुत यहाँ पे जो मुझे, मैं बहुत से वार्ड में भी जा रहा हूँ, आगे भी जाऊंगा glyphs.in के शो के माध्यम से, और जनता की बात हम सरकार के बीच में उनके कान में डालना चाहते हैं, लेकिन बड़े दुख का विषय है कि जनता जनार्दन खुल के बोलना नहीं चाहती, मीडिया के सामने आना नहीं चाहती, अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती, अपनी डिमांड रखना नहीं चाहती। माता बहने हैं हमारी, माता बहने जो खुल के जिन्होंने कुछ कहा है, लेकिन माता बहने तो हमेशा से कहती आई है, कहती रहेंगी, और क्योंकि झेलना उन्हीं को है, तकलीफ उन्हीं को होती है। आज glyphs.in में दाऊ के बोली बंदूक के बोली में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से आपके बीच में आऊंगा मैं एक नए वार्ड में एक नई समस्याओं के साथ। तब तक आप देखते रहिए glyphs.in और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दाऊ के बोली बंदूक के बोली। फॉर एक्सक्लूसिव न्यूज कीप वॉचिंग छत्तीसगढ़'स फर्स्ट ऑनलाइन न्यूज चैनल अनफोल्ड।